सब्सक्राइब कीजिए स्टार्टअप अथॉरिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस आइडिया वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आप सभी का स्टार्टअप थर्टी के एक और फ्रेश एपिसोड में, और आज का ये स्पेशल एपिसोड आप सभी के लिए है। अगर आप स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है या फिर नया बिजनेस की शुरुआत करते हैं या साथ में आने वाले समय में किसी एक ऐसे बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें मार्केटिंग की हाई डिमांड है। वैसे आपको पता होगा कि अगर कोई बिजनेस में मार्केटिंग सेंस नहीं होता है या अच्छी मार्केटिंग टेक्निक नहीं होती है तो वो बिजनेस फेल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज बताने जा रहा हूं एक ऐसे मार्केटिंग टेक्निक्स के बारे में जिसमें अगर थोड़ा सा भी आप इन्वेस्ट करते हैं या अपने दिमाग की कुंडी को थोड़ा सा घुमाते हैं तो यहां पर मिल सकता है आपको बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, क्या है वो ट्रिक्स जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं, इसको पूरी तरीके से समझने के लिए आपको तीन चीजों के बारे में डिफरेंस जो है वो समझना पड़ेगा अगर आप स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के तौर पे किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। दोस्तों, यहां पे तीन टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से पहली टर्मिनोलॉजी है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, दूसरी टर्मिनोलॉजी है सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, और तीसरी ऐसी है जो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होगा। आज मैं बात करूंगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, कि ये क्या होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और कहां पर बेहतर साबित होती है और तरीके की मार्केटिंग से। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेलिब्रिटी मार्केटिंग की। आज मैं बताने जा रहा हूं कि सेलिब्रिटी मार्केटिंग में जैसे किसी सेलिब्रिटी आदमी को उठाना और अपने मार्केटिंग में या अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाना और उससे अपने ब्रांड को प्रमोट करवाना, ये जो टेक्निक होती है इसको बोलते हैं सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। कहने का मतलब यह है कि उस सेलिब्रिटी पर लोगों का ट्रस्ट होता है और वो अपने ट्रस्ट का इस्तेमाल दूसरे के प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए करता है, इसको बोला जाता है सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। लेकिन इसके बाद आता है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग क्या होता है? वो एक किसी प्लेस पर या किसी कम्युनिकेशन या किसी प्रोसेस पर डिपेंड करता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई ऐसा स्थान या कोई ऐसा जगह जहां पर गैदरिंग हो रही है लोगों की, जहां पर बहुत ज्यादा लोगों की एक साथ गैदरिंग हो रही है, और वहां पर कोई एक बंदा जिस पर लोगों का बहुत ज्यादा ट्रस्ट है वो कहता है कि यार ये जो प्रोडक्ट है या ये जो बिजनेस है ये बेहतर है अगर आप अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो वैसी मार्केटिंग को हम कई बार बोलते हैं कि ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है। लेकिन इसी के उलट जो बेस्ट मार्केटिंग टेक्निक जिसके बारे में आज बताऊंगा वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। कौन कौन से लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आखिर कौन से लोग ऐसे होते हैं जो बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को बेहतर रिजल्ट के साथ दे सकते हैं, और क्या अगर वो करते हैं तो आपके पास बेहतर अचीवमेंट या बेहतर बिजनेस मॉडल आ सकता है। आज हम बात करते हैं इसी के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है। इन्फ्लुएंसर में किसी एक बंदे या इंडिविजुअल के द्वारा किसी प्रोडक्ट को ऑडियंस के पास मैसेज को पहुंचाना जो कंपनी की तरफ से कन्वे किया जाना चाहिए, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई एक कंपनी ऐसी है जो अपने प्रोडक्ट को सेल करवाना चाहती है और उसके लिए वो यूज करना चाहती है एक ग्रुप को जो एक तरह की स्पेसिफिक ग्रुप है। जैसे मान लीजिए कि कोई कपड़े की मार्केटिंग करना चाहता है या कोई कपड़े का ब्रांड लेना चाहता है, तो कोई बंदा अगर फैशन से रिलेटेड ब्लॉगिंग करता है या फैशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता है या फिर फैशन से रिलेटेड फेसबुक पर उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ऐसे में अगर आप अपने ब्रांड को उस जगह पे प्रमोट करेंगे या उस बंदे से बोलेंगे कि यार तुम हमारे ब्रांड को अपने चैनल पे डालो, अपने पेज पर डालो या इवन उसके बारे में कुछ डिटेल लिख के डालो, तो उससे जो है उसके ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके पास आएंगे और आपसे बिजनेस कराएंगे या आप आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो ये जो चीज होती है ये कंप्लीट होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और इसी तरह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काम करता है। अब यहां पर दो चीजों के बारे में मैंने बताया कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में कौन सा बेहतर है। अगर आप बहुत बड़े ब्रांड नहीं हैं और आपके पास बहुत बड़ा एसेट नहीं है जो आप मार्केटिंग में इन्वॉल्व कर सके, तो ऐसे में आप सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के तरफ ना जाकर के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को टारगेट कर सकते हैं। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट में रीच बहुत ज्यादा होता है लेकिन उसकी जो पैसे होते हैं, वहां पर जो पैसे आपको इन्वेस्ट करने होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होता है।
जो हो सकता है कि बहुत सारे स्टार्टअप या बहुत सारे ऐसे छोटे बिजनेसमैन जो रीच नहीं कर सकते, उन लोगों के पास सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के लिए जाना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे में हर जगह पे, हर सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे बंदों की भरमार है जो किसी न किसी डिपार्टमेंट में या किसी न किसी तरीके से ब्रांड को या किसी तरीके से पैशनेट हैं, जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में अगर आप उनके पास रीच करें तो कम पैसे में बेहतर आउटपुट आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर फ्यूचर क्या है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। तो अगर फ्यूचर की बात करें यहां पे, तो 2013 के कंपेरिजन में 2017 का जो ग्राफ है वो जे कर्व जैसा है। आप समझ सकते हैं कि जे कर्व के ग्राफ का ग्रोथ रेट क्या हो सकता है। तो इसलिए अगर आप नए हैं, बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, नए सिरे से बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो एक बार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को जरूर ट्राई करिए अपने बिजनेस में, क्योंकि ये वही चीज है जो आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए इक्का साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि किस तरह के इन्फ्लुएंसर मार्केटर को चूज करना चाहिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं। तो यहां पर तीन चीजों के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। उसमें रीच, मतलब कि कोई भी बंदा जब भी आपके ब्रांड को प्रमोट करता है या आपके कंपनी के मैसेज को कन्वे करता है अपने लोगों के बीच में या अपने फॉलोअर्स के बीच में, तो उसके पास जो सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए वो रीच होनी चाहिए, कि वो जो है उन ऑडियंस के पास बहुत अच्छा रीच लेकर जाए। दूसरा कंटेक्स्टुअबिलिटी, मतलब जो भी आपके ब्रांड के लिए लिख रहा है, जो कंटेक्स्ट में फोकस करने की कोशिश कर रहा है, वो बंदा एज पर योर रिक्वायरमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कई बार कई लोग होते हैं जो किसी ब्रांड की बुराई करते हैं और फिर उसका प्रमोशन करते हैं। ये निगेटिव मार्केटिंग है, लेकिन इस तरह से पॉजिटिव मार्केटिंग भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि इसका लाइव एग्जाम्पल अगर भारत में आपको देखना है, तो कई बार आप मोदी के कंपेन को टारगेट कर सकते हैं। उसमें कई जगह पे ऐसा वीडियोज देखने को मिलता है जिसमें ये कहा जाता है कि मोदी की गवर्नमेंट ने ये कर दिया, भगा लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। दुनिया भर की गलत चीजें, उल्टा चीजें बताई जाती है, और उसके बाद कहा जाता है कि कांग्रेस के लोगों ने तो कोल घोटाला कर दिया, कोयला घोटाला कर दिया, महंगाई ज्यादा था, या इस तरह की चीजों को पॉजिटिव निगेटिव तरीके से फिर फेस करते हैं और बताते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट से बीजेपी की गवर्नमेंट बेहतर है। ये एक निगेटिव वे ऑफ मार्केटिंग है जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब यह है कि जो कंटेक्स्टुअल जो थिंकिंग है, थॉट है उस बंदे का कैसा है, इस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। इसके बाद से बात आती है उन सबसे बड़ी चीज का जो होता है सेल्समैनशिप। आखिर सेल्समैनशिप क्या होता है? ये एक इन्फ्लुएंसर के पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि अगर वो इन्फ्लुएंसर किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल नहीं करवा सकता या उसको बेचवा नहीं सकता, तो वो जो है इन्फ्लुएंसर या इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो सबसे बड़ा सेल्समैनशिप उसके अंदर होना चाहिए। ये क्वालिटी है, सेल्समैनशिप की एक क्वालिटी है जो उसके अंदर होना ही चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो मैं कह सकता हूं कि वो एक बेहतर इन्फ्लुएंसर है आपके उस पर्टिकुलर सेगमेंट का। तो इसलिए आप आज के टाइम में अगर किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आप जो है इस साइड में जरूर फोकस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो है तरीका, ये जो है वे, एक ऐसा वे है, एक ऐसा तरीका है जिससे कम टाइम में अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर, बहुत अच्छे पिक पर आप लेकर के जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियोस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो फटाफट इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरह की वीडियोस से जान सके अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप या फिर बिजनेस से रिलेटेड काम को करना चाहते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। जय भारत। बने रहिए हमारे साथ आगे इसी तरह के एपिसोड के लिए।